अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आप आईएएस बन जाओगे, अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आप अमीर बन जाओगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। और नेगेटिव में बोला तो अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन तू फेल हो जाएगा, अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन तेरे पापा को पता चल जाएगा, और यूं ही चलता रहा तो एक दिन तू अरेस्ट हो जाएगा। तो यूं ही चलता रहा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, यूं ही चलता रहा के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, इफ दिस गोज ऑन, ये लिखा ना ऊपर, इफ दिस गोज ऑन, ये कंडीशनल वन का सेंटेंस होते हैं बेटा। कंडीशनल वन में होता क्या है कि एक इफ क्लॉज जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है, और जो दूसरा क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखा जाता है। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन तुम आईएएस बन जाओगे, इफ दिस गोज ऑन यू विल बिकम एन आईएएस वन डे, और नेगेटिव में मैं बोलूं अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन वो फेल हो जाएगी, इफ दिस गोज ऑन सी विल फेल हर एग्जाम वन डे, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसे ही चलता, अब मैं कहूँ ऐसे ही चलता रहा एक दिन सबको पता चल जाएगा, इफ दिस गोज ऑन एवरी वन विल कम टू नो वन डे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सबको पता चल जाएगा, इफ दिस गोज ऑन एवरी वन विल कम टू नो वन डे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसे पुलिस पकड़ लेगी, इफ दिस गोज ऑन वन डे पुलिस विल अरेस्ट हिम, इफ दिस गोज ऑन पुलिस विल अरेस्ट हिम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अब इफ दिस गोज ऑन, ये है मेन स्ट्रक्चर, इफ दिस गोज ऑन प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट।